माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटेज पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के डीजी डॉक्टर संजय बहल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक तकनीकी खराबी है, क्योंकि अगर आप साइबर सुरक्षा को देखें तो इसमें तीन चीजें शामिल हैं, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। इससे उपलब्धता का पहलू प्रभावित हुआ है, इसलिए इसने उपलब्धता के अलावा कुछ भी प्रभावित नहीं किया है। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इसका प्रभाव बहुत कम था और कारण यह है कि इसे अलग से खरीदा जाना है और बहुत से लोगों ने इसे खुद को बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं खरीदा है। अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पाद भी उपलब्ध हैं और लोग क्राउड स्ट्राइक का उपयोग करने के बजाय उन उत्पादों का उपयोग करते हैं। Use any of your laptops, desktops, or even mobile phones, you use some antivirus, right? Yes, sir. So, CrowdStrike is something like an antivirus. It is basically for advanced threat detection. And you buy that separately. It does not come pre-packaged on a Windows platform or a Mac platform or a Linux platform. So, in layman terms, that is what CrowdStrike is. You can buy additionally. So, you know, it's a technical glitch, because if you see in cybersecurity, there are three